नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजू इन्फॉर्मर में। आज के इस वीडियो में दौसा में शुरू होने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अंतर्गत दौसा जिला मुख्यालय पर पांगरी रोड पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम जैसा टाउन हॉल बनेगा, जिसका शिलान्यास कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरलीलाल मीणा ने की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों की तर्ज पर दौसा शहर का विकास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2018 में जब वे दौसा से विधायक बने, तब जिला मुख्यालय पर विकास कार्यों की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने मुख्य रास्तों का चौड़ाईकरण व सौंदर्यकरण करने के प्रयास किए, नगर पालिका को नगर परिषद में बदला, साथ ही कई अधिकारियों के पद नव सृजन करवाए। उन्होंने कहा, टाउन हॉल के लिए राज्य सरकार ने 15 करोड़ व 2 करोड़ रुपए नगर परिषद द्वारा खर्च किया जाएगा। टाउन हॉल बनने के बाद यहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं शहरों के विकास के लिए राज्य सरकार ने बजट में भी बढ़ोतरी की है, इससे शहरों के विकास में गति मिलेगी। मंत्री ने पानी की समस्या पर कहा कि सरकार ने पाइपलाइन के लिए 126 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस दौरान कलेक्टर कमर चौधरी, नगर परिषद सभापति ममता चौधरी, प्रधान प्रहलाद मीणा, उप सभापति कल्पना शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।